और जैसा कि आप देख रहे हैं बाइक जो है वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में क्या है कि मैं जहीं पे खड़ा था तो अचानक एक बंदा आ जाता है। वो मेरे को बोलता है कि भाई ये जो मशीन है, ये मशीन जो है आप देख रहे हो, ये जो मशीन है, ये जो मेरी बाइक है, ये इसे खींच नहीं सकती। तो आज मैं आपकी वीडियो में यही करूंगा कि इसके साथ जो है इस मशीन को जो है मैं जहाँ पे रस्सा बांधूंगा और वहां से जो है इस बाइक को जहाँ पे बांधूंगा, देखते हैं क्या कुछ की ये बाइक खींच पाती है या नहीं। बाकी अभी रस्सा बांध के देखते हैं। चैलेंज हुआ है आज की ब्लॉग को, आप चैलेंज समझ लो, ये ब्लॉग नहीं एक चैलेंज है। तो पवन जी अभी रस्सा बांधेंगे जहाँ पे और उसके बाद हम इसको खींचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है पूरा काम कर दिया, ये देखिए रस्सा बांध लिया है, वो बाइक के साथ बांधा हुआ है और यहाँ इसके मशीन के साथ बांधा हुआ है। अभी मैं बाइक को स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके बाद खींच के देखते हैं ये बाइक खींच पाती है या नहीं। बाकी आप देखते रहिए। तो दोस्तों अभी मैं बाइक जो है स्टार्ट करने वाला हूँ और बाकी ये बाइक मैंने कर दिया, ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं डालूंगा गियर, चेक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बाइक जो है इसको खींच रही है आराम से, कोई भी जो है जोर इसका नहीं लग रहा। अब हम जो है अब आपको दिखाना चाहता हूँ इस जगह को, जैसे कि आप ये चढ़ाई देख रहे हैं, अभी हम इसको जहाँ से ऊपर चढ़ाएंगे, आप टायर देख सकते हो जहाँ पे इसके साथ टच हो चुका है, इसने जो है इसको आराम से खींच लिया, इतना ज्यादा जोर भी नहीं लगा। अभी हम जो है इसको जो है इसके ऊपर चढ़ाने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि आखिर क्या नतीजा निकलता है, जे इसको इसके ऊपर चढ़ा पाता है या नहीं। हमारी बाइक जो है 125 सीसी की है, तो चलिए फिर से आगे चलते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद जैसे कि हमने देखा बाइक का जो है फ्रंट वाला टायर जो है वो ऊपर खड़ा हो रहा है, क्योंकि बाइक का जो वेट है वो आगे से कम है और मशीन का वेट जो है बहुत ज्यादा है, तो उसी के चलते हमने जो है काफी ज्यादा जोर लगाया, लेकिन ये जो बाइक है इसे बिल्कुल भी नहीं ऊपर खींच सकी। बाकी हमारे आज के इस एक्सपेरिमेंट में ये सब नतीजा निकलता है कि ये जो बाइक है इसे सीधे रास्ते में कहीं भी ले जा सकती है। वो जो ये मशीन है हम इसको जहाँ से कम भी 1.5 फीट पीछे लेके गए हैं, अभी हम थोड़ा तेजी से इसको ऊपर चढ़ाएंगे। अगर ये चढ़ता है तो ठीक, नहीं तो हम सोचेंगे कि बात ये हुई कि मशीन का जो वेट है वो इस बाइक से ज्यादा है, जिसके चलते बाइक इसको जहाँ से नहीं चला सकती। बाकी अभी मैं कर रहा हूँ बाइक को स्टार्ट, घर पे छोड़ आना भी है। ये निकला है कि इसका वेट ज्यादा होने के कारण बाइक इसको नहीं खींच सकी। अगली वीडियो में हम इसको कार के साथ खींच के दिखाएंगे और देखेंगे कि क्या कार इसको खींच के ऊपर चढ़ा सकती है, क्योंकि इसका इंजन जो है 125 सीसी है और जो कार का इंजन है वो 1000 सीसी से ऊपर होता है। तो बाकी अभी हम आपको यही बताएंगे कि हमारी बाइक जो है इसको ऊपर नहीं चढ़ा सकी। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।